भाई और बहनों नमस्कार, जोहार। जयंती रेहू के बारे में आप लोग सुनते होंगे। आज मैं बात करूंगा कि जयंती रेहू का जो विकास हुआ वो कहां से हुआ और इसको पालने से क्या फ़ायदे हैं। तो एक विदेशी संस्था के साथ मिल करके, जो भुवनेश्वर में मछली पालन का संस्थान है, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान या सीफा जिसको बोलते हैं, वहाँ के निदेशक डॉक्टर एस अयपन और अन्य वैज्ञानिकों ने कई नदियों से रेहू मछली को मंगा करके, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोमती, और फिर जो उनके पास अपना जो स्टॉक था उससे वो लोग मिल करके और रेहू मछली को ब्रीड कराया, और उसमें जो बच्चे निकले उनको फिर बड़ा किया और उनको उनका अध्ययन किया कि कौन कौन सी मछलियाँ बड़ी हैं, किनका पूंछ बड़ा है, शरीर बड़ा है, और बहुत सारा पैरामीटर था। उसके बाद उसमें से जो बड़ी मछलियाँ निकली उनको फिर ब्रीड कराया, और इस प्रकार कई चरणों में जो मछलियाँ थी वो देखा गया कि जो मूल मछली थी उससे 17% अधिक वृद्धि हो रही है उनका। तो उसको एक अलग वैरायटी दे करके एक नाम दिया गया, क्योंकि उस साल 1997 था जबकि देश की आज़ादी का 50 साल हो गया था, 50वां जयंती मनाया जा रहा था, इसलिए उसका नाम दिया गया जयंती रेहू। और उसके लिए अलग से ब्रीडिंग की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो पहले का जो मछली है वो उसमें मिल नहीं जाए, और जयंती रेहू का अलग से ब्रीडिंग कराया गया, उसके बीज को कई जगह भेजा गया जिससे कि लोग उसको बड़ा करके ब्रूडर बना के ब्रीडिंग कराए और बीज को बेचे। बाद में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है NFDB, उसका एक नेशनल ब्रूड बैंक, नेशनल फ्रेश वाटर ब्रूड बैंक बनाया गया भुवनेश्वर में, वहाँ पे इसका ब्रीडिंग हो रहा है और वहाँ से बीज किसान ला रहे हैं। झारखंड में भी शिव प्रसाद साहू जी हैं पालकोट में, वो लाए हैं, और भी कई किसान ला रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं और उसके बीज को बेच रहे हैं। तो जयंती रेहू के बीज को लाने से फ़ायदा यह है, यह जल्दी तैयार होती है, 17-19% अधिक इसका वृद्धि दर देखा गया है, और यह डिजीज़ रेसिस्टेंट है, जो बीमारियां बहुत कम होती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं और स्वाद भी अच्छा है। तो रेहू के स्थान पर जयंती रेहू का यदि आप पालन करेंगे तो मछलियाँ तेज़ी से बढ़ेंगी, जल्दी आपको मुनाफा होगा, बेचने लायक जल्दी होंगी तो पैसा भी जल्दी आएगा। इसलिए जयंती रेहू कोशिश कीजिए कि उसके बीज को ला करके आप पालिए, और उसके बीज को मिलने के लिए आपको नेशनल फ्रेश वाटर ब्रूड बैंक जो है भुवनेश्वर में, मैं कोशिश करूँगा उसका फ़ोन नंबर देने का, या वहाँ जो प्रभारी हैं डॉक्टर मानस सिन्हा उनका नंबर दे देंगे तो आप उनसे संपर्क करके वहाँ से फ्राई ला सकते हैं और पाल सकते हैं। तो जयंती रेहू को खुद भी पालिए और देखिए उसका ग्रोथ कितना है, और अपने आसपास के जो भी आपके हैं मित्र मत्स्य किसान उनको भी बताइए, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों को कम समय में ही मछली बड़ा करने में आसानी हो और ज़्यादा लाभ मिले। इसके संबंध में और भी कुछ जानना चाहेंगे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।